अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब एंड चैनल एंड टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। होप सो। आप कैसे हैं? ठीक है। ठीक है आप? जी पक्की बात है। आर यू श्योर? पक्का? अच्छा जी, आप ठीक है? मैं नहीं हूँ ठीक। मेरी यहाँ आंखें जल रही हैं नींद से। आई एम फीलिंग सो स्लीपी बट कैन यू स्लीप? हाउ स्लीप? नाउ हर इज स्लीपिंग सो यू कैन स्लीप बट शी विल बी गेट अप। सो वी गेट अप इज आफ्टर यू गेट अप। यू नो व्हाई आई कांट स्लीप? You know? आप लोगों को नहीं पता, इनको पता है मैं क्यों नहीं सो रही हूँ। सो गाइस, टुडे कुछ भी नहीं है करने को यार। ये देखो हम बैठे हुए फजूल में, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता। और इन दिनों लाइक बोरिंग। हियर इज माय प्रिंस चार्मिंग एंड माय प्रिंसेस इज ऑन हर बेड, सो रही है मैडम। रात को माँ बाप की नींद खराब करके, हराम करके दिन पूरा सोती रहती है और रात को हमें नहीं सोने देती। और मैं बैठी हुई यहाँ पे ये अपना दिमाग तेज कर रही हूँ। देख सकते हो आप लोग, ड्राई फ्रूट्स खा खा कर ना अपना दिमाग थोड़ा नया बना रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग आप लोगों को पता है रीमेक हुआ ना, तो इसलिए इसको ठीक से दोबारा से नया बनाना चाहिए। तो मैं अपना और मियाँ जी का दिमाग लगी हुई बना रही हूँ कि हमें अब दिमाग तेज़ करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि बच्चे के साथ दिमाग लगाना पड़ता है कितना ज़्यादा। यार आप लोगों को पता ही होगा, जो जो न्यू पेरेंट्स हैं और जो पुराने पेरेंट्स हैं, आप लोगों को तो पता होगा ना यार कितना दिमाग लगाना पड़ता है। और ये जो है ना बंदा, ये बंदा हर वक्त फ़ोन में घुसा रहता है। नो गर्मी, गो क्रैप, जाके बाल कटवा के आए अपने। नो आफ्टरनून। अच्छा यार, ये हैं अखरोट जो है ना, ये स्वीट वाले हैं। और यार ये क्रंची इतने इतने मज़े के हैं। उठे क्रैप, गेट गेट अप। और यार कल था स्प्रिंग फेस्टिवल, अब तो यस्टरडे था स्प्रिंग फेस्टिवल, चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल यस्टरडे था, है ना? हाँ यस्टरडे को था, है ना? क्या हो गया? आपको याद नहीं, आपने किस दिन दिए थे? मुझे क्या पता, आई थिंक यस्टरडे था। यस्टरडे मम्मी ने कुकिंग की थी। पापा बुला रहे हैं। अच्छा, अरे मुझे भी याद नहीं कौन सा दिन था और कौन सा नहीं। Before yesterday is Mid Autumn Festival. Today is Nature Festival. तो यार इन दिनों जो है ना चीनियों के जो है ना फेस्टिवल फेस्टिवल्स चल रहे हैं। Today is Nature Day. National Day और Natural Day. National Day. National Day of China. Happy National Day of China. Magic. Seven Day. अच्छा तो ये बात है मियाँ जी। मियाँ जी क्या ग्रेप्स लेके आए हैं आप? यार खाने पीने का स्टॉक सारा इधर बिस्तर पे क्यों लगाते हैं, मुझे ये बताते। Your table is full. हाँ मेरी टेबल भी यार सारी फुल हुई है, उसमें भी जगह नहीं है। खैर ये ड्रिंक थे मुझे, मैं पीऊँ, देन ये फिनिश होगा तो फिर मम्मी ना एक और कप ले आएंगी। अगर इसमें ना शुगर ना हो तो ये कितना कड़वा है ना। तो यार अगर इसमें शुगर ना हो ना तो मैं तो कभी भी ना पी सकूँ, इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और पता है क्या ये किस लिए अच्छा होता है? ये मेरी मम्मी कहती हैं कि यार ये जो स्टिचेस इसको लगे होते हैं, सी सेक्शन जिसका हुआ होता है, उसका ज़ख़म अच्छा करता है, ज़ख़म को जो है ना। आप लोग लाइक बिलीव नहीं करोगे कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, कोई मेडिसिन नहीं खा रही मैं जस्ट ड्रिंक ले रही हूँ। और यह कि डाइट अच्छी रखी हुई है,
मेडिसिन कोई भी यूज़ में नहीं करी। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे जो है ना वैक्सीन दी थी, जितने दिन मैं हॉस्पिटल में थी रेगुलर वो एक दिन बाद मुझे वैक्सीन दे देते थे। पर यह कि मेडिसिन घर के लिए उन्होंने मुझे कोई भी नहीं दी, जैसे पाकिस्तान में देते ना जख्म को रिपेयर करने के लिए और ये वो, यहाँ पर नहीं देते। यहाँ पर ये कहते हैं कि बस होम का जो है ना होम रेमेडी यूज़ कर। तो ये दिन में 3 से 4 कप मैं पीती हूँ। मेरी जो है ना सासू माँ 3 से 4 कप मुझे रोज़ देती हैं इसके कि ये अच्छा होता है। और ये एक मंथ जो है ना आप लोगों को खुद भी पता है कि यार ठीक से ख्याल न रखो तो फिर बॉडी जो है ना बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में। तो ये एक महीना जो है ना काफ़ी केयर करनी पड़ती है। अच्छा यार मैं ना आज आप लोगों को एक चीज़ जो है ना जो फीमेल्स हैं जो लाइक फीड करवाती हैं अपने बच्चों को जो मैरिड हैं उनके लिए जो है ना मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर तो ये आपको पाकिस्तान में अवेलेबल मिल जाए तो। मे बी यार मिल जाएगा क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में, ये यार सीरियसली बहुत यूज़फुल है अगर आप लोग उसको यूज़ करो। फीमेल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार वो जो है ना बच्चा किस टाइम सोया होता है कुछ होता है तो वो बच्चा उस टाइम ऑब्वियसली फीड नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम होती है कि यार जो है ना आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, आपको कितना एम्बेरस लाइक फील होता है। लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने जो है ना अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। इसमें काफ़ी सारी टाइप्स भी हैं, लाइक इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप लोग। डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इसमें आपको मिल जाते हैं। तो यार नाम वगैरह इसका क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये यहाँ पे तो चाइनीज़ में ही है। बट ये कि ये बहुत यूज़फुल है, मैं जितनी भी लाइक न्यू मदर्स हैं और जो मदर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि यार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अवेयरनेस पता है होनी चाहिए औरतों को। और ये जो है ये अमेरिकन मदर्स बहुत यूज़ करती हैं, हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना अवेयरनेस नहीं है। मैंने नहीं देखा वहाँ पे किसी ने यूज़ किया हो या किसी ने किसी को रेफ़र किया हो कि यार इसको यूज़ करो या कुछ, बट ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो मैं भी अब जाना मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं अब कहीं बाहर उस दिन भी मैं बाहर गई तो ये था कि यार आप अपना जाना बेबी के लिए आप अपनी फीट सेफ भी कर सकते हो। मैं यार खुल के लाइक लिटरली नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि व्लॉग्स हमारे कौन कौन देखता है, उसमें मैन होते हैं नहीं होते, तो मैं इसलिए जाना लाइक थोड़ी सी शाय होकर बात कर रही हूँ कि जी ये मेरे जो मैसेज है ना ये जस्ट फीमेल्स के लिए, नॉट फॉर मैंस। एंड मैंस ओके जिनकी वाइफ्स हैं उनके लिए है, क्योंकि वो देख सकते हैं, वो अपनी वाइफ को भी सजेस्ट कर सकते हैं। यार अपनी भी ज़िंदगी आसान बनाओ, अपनी बीवियों की भी ज़िंदगी आसान बनाओ। अल्लाह जो है ना आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी फास्ट है, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाती है, तो खामखा क्यों अपनी बीवियों को थकाना और क्यों बीवियों को इतनी मुश्किल वक्त से गुजारना। आसानी हर चीज़ के साथ आजकल मिलती है, तो आसानी वाली जो है ना हर चीज़ आप लोग जो है ना अपनी बीवियों को दो और उनकी ज़िंदगी आसान करो। सो हेयर टुडे माय मिया जी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स ऑफ सफ़ा, आज इन्होंने धोए हैं क्योंकि आज जो है ना मैं वॉशरूम में यार ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती हूँ, काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है इसके कपड़े धोने के लिए। तो पता नहीं हमने उसकी मशीन तो ली थी छोटी वाली पर उसमें हम वॉश नहीं कर रहे, हमें एक को भी नहीं पता हम उसमें क्यों नहीं वॉश कर रहे। वैसे अब्दुल्ला जो हमने इसकी मशीन ली है उसमें क्यों नहीं धोते कपड़े इसमें कपड़े क्यों नहीं धोते मशीन में सफ़ा वाली लिटल हाँ अभी इसके कपड़े बहुत छोटे हैं तो हाथ से धुल जाते हैं बहुत ईजीली। हाँ ये बात तो है, आपके जो शूज़ में निकल धोए थे वो उधर से आप उठा लें क्योंकि वो सूख चुके हैं। सुस मत सानी योर शूज, यू गोइंग आउटसाइड व्हाट यू वेयर देन ब्लैक वन, आपको पाँव तंग नहीं करते छोटे नहीं है नहीं अच्छा मुझे लगा छोटे।
अच्छा यार, अभी ना मेरी जी ने मुझे बताया, हमारी बिल्डिंग में ना आज एक बाहर से कोई बंदा आया, वो बेचारा सुसाइड करने के लिए आया, तो उसको कोई और जगह नहीं मिली। और देखो यार, हम लोगों को पता ही नहीं होता, हम घर में रहते हैं, हमें किसी चीज़ का नहीं पता। वो सुसाइड करने के लिए आया, इतनी पुलिस आई, सारा कुछ हुआ, पता नहीं वो किधर है, सेफ है नहीं सेफ, हमें इस चीज़ का नहीं पता फिलहाल। मैं पिंच चार्मिंग सारे उसके कपड़े धुल गए, ऑल क्लीन, ओके थैंक यू। मिया जी, अब आप नौकरी पे कब जाएंगे? जॉब पे कब जाएंगे आप? हाँ, अब आप जॉब पे कब जाएंगे? सफा तो आ गई, अब बताएं, अब आपके जाने का कब का इरादा है? अच्छा, तो यार जिन जिन का सवाल था ना कि अब्दुल्ला क्यों नहीं जॉब कर रहे, ये वो कब करेंगे, तो बस अब वो पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था, सफा के बाद बेबी के बाद करेंगे, तो अब ये तो आ चुकी हैं, अब इनकी जो है ना डिग्री का वेट कर रहे हैं कि कब वो एक्सेप्ट होगी, क्योंकि इनकी स्टडी आप लोगों को पता है पाकिस्तान से, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद ये अपने लिए जॉब सर्च करेंगे, और जॉब सर्च करने से पहले पहले हम थोड़ी बहुत आउटिंग शाउटिंग करेंगे। ये मियाँ जी का ख्याल है, मियाँ जी ने कहा है मेरी शादी हुई है, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, और अब मैं नौकरी करने चला जाऊँ? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तो पहले अपनी बीवी बच्चों के साथ जाऊँगा, बच्चों के साथ नहीं सॉरी बच्ची के साथ घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा सा इन्जॉय करूँगा, उसके बाद जॉब करूँगा। ये आपने कहा था, आप पहले जॉब करेंगे या बाद में घूमने जाएंगे? यू सेड दैट यू वॉन्ट टू गो फर्स्ट आउटिंग, आफ्टर यू वॉन्ट टू गो फॉर जॉब, यू वॉन्ट टू इन्जॉय सम डेज। इन दिनों तो मैं नहीं जा सकती कहीं पे भी, इन दिनों आपको पता है अब टमी में स्टिचेस का पेन है, बाकी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सफ़ा भी छोटी है ना, इसको भी कहीं ले के जा नहीं सकते। और यार आप लोग कह रहे थे मैचिंग करो, तो सीरियसली मैं खुद वेट कर रही हूँ, मैं कब अपने मियाँ जी के साथ और अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के साथ मैचिंग करूँगी। शादी से पहले हम लोग मैचिंग करते थे, है ना, हमारा नाइट सूट एक जैसा था, स्लीपिंग सूट, शूज़ हमारे एक जैसे थे, और विंटर का हमारा एक ड्रेस एक जैसा है, एक नहीं एक दो मेरे ख्याल से एक जैसे हैं, वो मेरी जो है ना मदर इन लॉ ने मंगवाए, अभी ये मियाँ जी बता रहे बेड के नीचे रखे हुए हमने वो, क्योंकि यार सारे विंटर के जितने कपड़े थे ना हमने सारे नीचे रख दिए। तो भाई हम लोग जो है ना मैचिंग करेंगे जब हमारी प्रिंसेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, उनको कुछ अभी पूरा ही नहीं आता, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मेरे तो दिल के अरमान पानियों में बह चुके हैं, क्योंकि उस बेचारी को कुछ भी नहीं पूरा, मैंने उसके लिए जो नए कपड़े मंगवाए वो यार उसको पूरा ही नहीं है, ये छोटी है अभी, और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर इसको कुछ पूरा होगा, तो फिर हम प्यारी प्यारी मैचिंग करेंगे, और फिर जो है ना हम प्यारी प्यारी वीडियोज बनाया करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, हियर शी केम, जो गई हुई थी शॉवर लेने के लिए, माय प्रिंसेस कम बैक, टॉवल इसका जो है ना एक कान उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, क्योंकि ये टॉवल में भी बेचारी पूरी नहीं आती, और ये जिंदगी हमारी, ये टेम्पर चेंज करो फिर से रेडी करो, सुबह से कुछ 10 बार तो उसको रेडी कर चुकी हूँ मैं, पर खैर ये लोग जो है ना रोज़ बच्चे को शॉवर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे को रोज़ शॉवर देना चाहिए, इसलिए हम अपनी शफ़ा को रोज़ शॉवर देते हैं। तो यार चलिए मैं इसके जा करती हूँ कपड़े शपड़े चेंज, इसको करते हैं रेडी। सो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग, और आज कुछ खास करने को नहीं है, और अभी जो है ना मैं जी से खफा हूँ, मैं जी मैं आपसे खफा हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ, नाराज हूँ, देखो यार पता नहीं है, आई एम एंग्री विद यू, आप पता है? पता नहीं है, आप समझ आइए, समझ आ गई आपको, अब तंग कर रहे मुझे, पता नहीं है यार मियाँ जी ये क्या बात हुई, पता नहीं है, also yeah I know what happened, you know what happened, what happened, you know it, what happened, नहीं है नहीं है। तो यार ये देखो सफ़ा फिर चली गई है। ये हाल है यार, पूरे दिन में वो ना बहुत ही थोड़ा टाइम के लिए हमारे पास रूम में होती है,
उसके बाद वो फिर चली जाती है, क्योंकि उसके उसके लिए ना बहुत सारे लोग हैं जो है ना उसको बहुत टाइम देने के लिए, अटेंशन देने के लिए, तो वो जो है ना मैडम इंजॉय कर रही हैं। पर यह कि पता क्या, उसको उसके दादा ने इतना ख़राब कर दिया, उसकी आदतें इतनी ख़राब कर दी हैं, उसको लेके घूमते घूमते ना तो वो अब सोती नहीं है यार, रात में इतना तंग करती है, इतना तंग करती है कि आपकी सोच होगी। रात को मैं मतलब 2 घंटे उसको लेके बैठी रही हूँ कि यार सो जाए, पर नहीं, वो सो ही नहीं रही थी यार, क्योंकि वो कह रही थी कि बस मुझे कोई ना वॉक करके सुलाए तो फिर मैं सो जाऊँगी, और मैं नींद से पागल हो रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं वॉक करके तुम्हें सुला सकती, फिलहाल अभी ऐसे सो जाओ। तो चले यार, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, हमें और हमारी गुड़िया को रखें अपनी दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नए दिन नए व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। ऑल दू सपोर्ट टू अस यार, क्योंकि रेगुलर व्लॉग्स बनाने बड़ा औखा काम है। तो यार हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ हम सोचते हैं यार आज क्या बनाएंगे, आज क्या बोलेंगे, आज क्या करेंगे, तो बहुत सारा डिफ़िकल्ट होता है ये सारा प्रोसीजर व्लॉग बनाने का। तो चलिए हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय। बाजू तो छोड़ ना बाजू, आई हैव टू से बाय बाय। क्या बाजू? माय आर्म। वेरी आर्म। ये वाला क्या है? ये वाला मेरा बाजू है। छोड़े ना मियाँ जी। हाँ चले, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।